हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ वेदांता कॉमर्स। मैं अमित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल वेदांता कॉमर्स के ऊपर। ये हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट बिजनेस स्टडी का चैप्टर नंबर 3 दैट इज बिजनेस एनवायरनमेंट के ऊपर वीडियो नंबर 4। और इससे पहले जो हमने 3 वीडियोस बनाए हैं उस वीडियो में हम लोग ने बात किया है बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर्स के बारे में, बिजनेस एनवायरनमेंट के इंपॉर्टेंस के बारे में एंड डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में। एंड हम लोग लास्ट वीडियो में दैट इज वीडियो नंबर 3 इसमें हम लोगों ने बात किया था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग लास्ट टॉपिक्स को कवर करेंगे और इस चैप्टर को एंड करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर क्या-क्या इंपैक्ट हुआ ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑन इंडस्ट्रीज एंड किस तरीके से मैनेजर्स ने एक न्यू इनिशिएटिव्स लिया फॉर द डेवलपमेंट ऑफ देयर बिजनेसेस, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करें, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड इस वीडियो के ऊपर अगर किसी भी तरीके का कमेंट आपको करना है तो कमेंट करना ना भूलें, है ना। ओके, एक मिनट, थोड़ा मेरा वेबकैम कर दो। चलिए तो शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा मैटर ऑफ डिस्कशन है काफी इजी होने वाला है और काफी अच्छा टॉपिक है, ठीक है। चलिए सर, तो ये हमारे आपके सामने इंपैक्ट ऑफ चेंज इन इकोनॉमिक पॉलिसी ऑन द बिजनेस, इंपैक्ट ऑफ चेंजेस इन इकोनॉमिक पॉलिसी ऑन बिजनेस और इफेक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये जो लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन हुआ उसका क्या इंपैक्ट पड़ा। तो सबसे पहला इंपैक्ट है इंक्रीजिंग कंपटीशन। कंपटीशन इंक्रीज हुआ हमारे कंट्री में, बिजनेस में जो कॉम्पिटिशन होना चाहिए वो बढ़े। क्योंकि देखो पहले क्या होता था, लिबरलाइजेशन से पहले 1991 से पहले हमारी इकोनॉमी में ज्यादातर कंपनीज ना सरकारी होती थी और सरकारी कंपनी के होने के कारण वहां पे कंपटीशन नहीं होता था। तो कंपटीशन इंक्रीज करने के लिए ये इकोनॉमिक पॉलिसी लाया गया। तो सबसे ज्यादा बेनिफिट हुआ कि ये जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आया इसके कारण हमारे इकोनॉमी में कंपटीशन इंक्रीज हुआ। आफ्टर द न्यू पॉलिसी इंडियन कंपनीज हैड टू फेस लॉट ऑफ कंपटीशन व्हिच मींस कंपटीशन फ्रॉम इंटरनल मार्केट एंड कंपटीशन फ्रॉम मल्टीनेशनल कंपनीज, है ना, व्हिच कुड अडॉप्ट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड व्हिच हेल्प हैविंग लार्ज नंबर ऑफ रिसोर्सेज एंड कुड सरवाइव द फेस कंपटीशन, है ना। कंपटीशन को फेस करने के लिए कंपनीज को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वगैरह को एक्वायर भी करना पड़ा। देखिए एग्जांपल, प्रायर टू 1991 बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस, टेलीकम्युनिकेशन एक्सेट्रा वाज द पब्लिक सेक्टर एंजॉयिंग द मोनोपोली। इस टेलीकॉम में, बैंकिंग में, है ना, इंश्योरेंस कंपनी की बात करें तो उस समय 1991 से पहले सिर्फ और सिर्फ सरकारी कंपनियां बिजनेस करती थी, पर लिबरलाइजेशन के बाद प्राइवेट कंपनी को इनविटेशन दिया गया और वो भी बिजनेस करना चालू किया। सेकंड अगर पॉइंट की बात करें तो सेकंड पॉइंट इज मोर डिमांडिंग कस्टमर्स। ओके जी, तो मोर डिमांडिंग कस्टमर कहने का मतलब, मोर डिमांडिंग कस्टमर मतलब कस्टमर का जो डिमांड है वो इंक्रीज होने लगा। लोग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की बात करने लगे, है ना। कस्टमर को पहले देखो, इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 से पहले क्या होता था, प्रोड्यूसर के पास जो होता था वो वही बेचते थे, वो कभी भी मार्केट रिसर्च नहीं करते थे। पर अब क्या हुआ, धीरे धीरे जब इकोनॉमिक पॉलिसी रिफॉर्म आया और जब नई कंपनीज, नई इंडस्ट्रीज इंडिया में जब जुड़ने लगे तो हुआ क्या कि कस्टमर्स ने अपना टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज किया। जब आपका कंपनी को मार्केट रिसर्च करना पड़ा, कस्टमर के हिसाब से आपको गुड्स एंड सर्विसेज बनाने का जरूरत था। कहने का मतलब सिंपली कि जब 1991 से पहले जब बिजनेस होता था उस समय प्रोड्यूसर के पास जो है बस वही वो बनाते थे,
उनको कभी भी ये टेंशन नहीं होता था कि प्रोड्यूसर कस्टमर क्या चाहता है, मार्केट में क्या डिमांड है। पर जब कंपटीशन बढ़ा, बहुत सारी कंपनीज आई, तो उस समय फिर क्या हुआ कि कस्टमर के अकॉर्डिंग गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होने लगा। देखिए क्या कर, प्रायर टू इकोनॉमिक पॉलिसी देयर वाज अ वेरी फ्यू इंडस्ट्रीज ऑफ प्रोडक्शन यूनिट, एज अ रिजल्ट देयर वाज अ शॉर्टेज ऑफ प्रोडक्शन। और 1991 से पहले बहुत कम इंडस्ट्रीज थे इंडिया में, उसके कारण क्या होता था, शॉर्टेज होता था गुड्स एंड सर्विसेज का, लोगों का जो नीड है, जो डिमांड है, वो फुलफिल नहीं हो पाता था। बट आफ्टर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी मेनी मोर बिजनेसमैन ज्वाइन, बट ज्वाइन इकोनॉमिक पॉलिसी के बाद बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट आए, बहुत सारी विदेशी कंपनीज आए, और उन्होंने उन्होंने कस्टमर के नीड को फुलफिल किया और एक ऐसा इन्वायरमेंट जनरेट किया जहां पर कस्टमर के नीड की फुलफिल की बात होती थी, है ना। मार्केट ओरिएंटेशन, मार्केट ओरिएंटेशन की बात होती थी, कहने का मतलब कस्टमर को जो चीज चाहिए वो चीज प्रोवाइड करना। थर्ड अगर पॉइंट कहें, थर्ड पॉइंट तो कह रहा है रैपिड चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, है ना। जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आया उसके कारण टेक्नोलॉजी भी बहुत तेजी गति से चेंज हुआ, क्योंकि जितनी भी विदेशी कंपनी थी वो न्यू टेक्नोलॉजी लेके आए, तो उस वजह से जो इंडिया में एग्जिस्टिंग कंपनी थी उनको भी न्यू टेक्नोलॉजी एक्वायर करना पड़ गया। और हम लोग को और लिबरलाइजेशन में ये भी बताया कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इम्पोर्ट करने में लाइसेंसिंग का जो रिक्वायरमेंट ज्यादा से ज्यादा होता था उसको भी हटा दिया गया, तो बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हटा दिए गए, फंड आने लगा विदेश से, टेक्नोलॉजी आने लगा, इसलिए रैपिड चेंजिंग टेक्नोलॉजी, है ना, बहुत तेजी गति से प्रोडक्शन करने का जो गति था और जो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी हम लोग यूज करते थे उसको हटाया गया। बिफोर और प्रायर टू न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी देयर वाज वेरी स्मॉल इंटरनल कंपटीशन, बट आफ्टर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी द वर्ल्ड क्लास कंपटीशन स्टार्टेड, है ना, वर्ल्ड क्लास लेवल का कंपटीशन स्टार्ट होना चालू हो गया। नेसेसिटी फॉर चेंज, है ना, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बाद ना अब मार्केट में अगर आपको सर्वाइव करना है तो चेंज लाना जरूरी हो गया था। अगर आप चेंज नहीं लाओगे तो आप मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाओगे, कुछ इस तरीके का सिचुएशन अराइज हो गया था, ठीक है। तो प्रायर टू 1991 एंटरप्राइजेस कुड फॉलो स्टेबल पॉलिसीज फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बट आफ्टर 1991 बिजनेस एंटरप्राइजेस हैव टू मॉडिफाई देयर पॉलिसीज। 1991 के कारण क्या हुआ, जैसे पहले क्या होता था ना कि बिजनेसमैन एक बार जो पॉलिसी बना लिया उसी पॉलिसी पर लगातार चलते रहते थे, पर 1991 के बाद उनके पॉलिसीज में रेगुलरली चेंजेस लाना पड़ा। अब कॉम्पिटिटर अपना पॉलिसी चेंज कर लेगा तो आपको चेंज करना पड़ेगा, है ना। आपको डिपेंडिंग अपॉन कॉम्पिटिटर, डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, आपको अपना बिजनेस स्ट्रेटेजी भी चेंज करना पड़ रहा था। नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज, देखो पहले क्या होता था, 1991 से पहले कोई भी बंदा उसको जॉब मिलेगा, मैनेजर बना दो, वो हम लोग एक्सपर्टीज की बात नहीं करते थे। पर जब डेवलपमेंट हुआ, जब लोग विदेशी कंपनी जब इंडिया में आई तो क्या हुआ ना कि वो लोग एक्सपर्ट लोग को अपने बिजनेस में इंक्लूड करते थे, तो उसी तरीके से इंडिया में भी जो भी कंपनीज थी वो लोग एक्सपर्ट को अपने बिजनेस में हायर करने लगे, है ना, कि एक्सपर्ट के साथ अगर बिजनेस करेंगे तो ज्यादा अच्छे तरीके से बिजनेस ग्रो अप होगा। तो 1991 के बाद ना डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, मतलब जो बंदे को जो काम आता है वो टास्क देना, एक्सपर्ट ट्रेनिंग देना, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ काम करना। देखिए क्या कह रहा, बिफोर 1991 इंडियन इंडस्ट्रीज वर मैनेज्ड बाय इनएडिक्वेट ट्रेन्ड पर्सनल, इनएडिक्वेट मतलब जिसके पास नॉलेज नहीं है उनके द्वारा बिजनेस चलाया जाता था, पर अब न्यू मार्केट कंडीशन रिक्वायर पीपल विद हायर कॉम्पिटेंस स्किल एंड ट्रेनिंग, बट अब उन लोगों का जरूरत था जिनके पास ज्यादा कॉम्पिटेंस है, जिनके पास ज्यादा नॉलेज है। मार्केट ओरिएंटेशन, अर्लियर फर्म वर ऑल, मार्केट ओरिएंटेशन कहने का मतलब, मार्केट ओरिएंटेशन मतलब देखिए पहले क्या होता था ना, सेलिंग कॉन्सेप्ट फॉलो होता था। सेलिंग कॉन्सेप्ट मतलब प्रोड्यूसर के पास जो है वो बेचेगा, इट डजंट मैटर कि कस्टमर का नीड क्या है, बस प्रोड्यूसर के पास जो है वो बेचेंगे, और कुछ नहीं चाहिए हमको, और कुछ नहीं करना, कस्टम लेना है तो लीजिए नहीं तो नहीं लीजिए। मगर धीरे धीरे जब कंपटीशन बढ़ा, बहुत सारी जब कंपनी आई तो हुआ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में क्या था कि कस्टमर के नीड को आइडेंटिफाई करिए, कस्टमर के नीड को आइडेंटिफाई करके उसके तरीके का प्रोडक्ट बनाइए, वो प्रोडक्ट बनाइए
बनाइए जो कस्टमर के नीड को फुलफिल कर सके, कस्टमर के डिमांड को फुलफिल कर सके। इसलिए सेल दो तरीके का कॉन्सेप्ट होता है, सेलिंग कॉन्सेप्ट और मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। तो सेलिंग कॉन्सेप्ट खत्म करके मार्केटिंग कॉन्सेप्ट लाया गया। कौन सा कॉन्सेप्ट है? मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। यस, नेक्स्ट है लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू पब्लिक्स। क्या कहते हैं, देखो पहले क्या होता था ना, सरकारी कंपनी है, सरकारी कंपनी है तो अब इंप्लॉय लोग अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं तो कंपनी को लॉस हो गया, और वो लॉस कौन भरपाई करता था? वो लॉस भरपाई करती थी सरकार। और सरकार पैसा कहाँ से लाता था? तो पब्लिक का पैसा, पब्लिक से जो टैक्स लेती थी वो पैसे को यूटिलाइज करती थी। तो प्रॉब्लम क्या था कि बजटरी सपोर्ट, बजट में जो कंपनी लॉस हुआ है उसको सपोर्ट देने का काम होता था। बजटरी सपोर्ट मतलब क्या? बजटरी सपोर्ट मतलब कि वो कंपनी जो लॉस में है उसको बजट में अनाउंसमेंट करके पैसा देना कि चलो तुमको 5,000 करोड़, तुमको 10,000 करोड़ नहीं है, लॉस हुआ है ना, भरपाई कर देंगे। मगर इससे हुआ क्या कि हम लोग सरकार को पैसा क्यों दिया जाता है? डेवलपमेंट कर लिए, करने के लिए, इकोनॉमी में डेवलपमेंट करने के लिए। पर अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि सरकार अपना पैसा डेवलपमेंट में ना लगा के कंपनी को दे दे रही है, वो कंपनी जो गलत तरीके से बिजनेस की और उसको लॉस हो गया। तो इसमें हो क्या रहा है, इंडिया का डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, तो बजटरी सपोर्ट हटा दिया गया। 1991 के बाद बजटरी सपोर्ट हटा दिया, मतलब कंपनी तुमको खुद से फंड अरेंज करना है और खुद से बिजनेस करना है, और अगर आप बिजनेस अच्छे से नहीं चला पाए तो आपको डिस इन्वेस्टमेंट कर दिया जाएगा, मतलब आपको बिजनेस, आपके बिजनेस को बेच दिया जाएगा। तो इससे क्या हुआ, जितने भी इम्प्लॉय थे वो मोर फोकस्ड हो गए, वो ज्यादा डेडिकेशन के साथ काम करने चालू किए। फिर कह रहा एक्सपोर्ट अ मैटर ऑफ सर्वाइवल। ऐसा समय आ गया ना उस समय कि आप अगर एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अब देखो कोई कंपनी अगर एक्सपोर्ट कर रहा है, विदेश में माल बेच रहा है, इससे क्या फायदा? इससे ये फायदा है कि वो गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट बना रहा तभी एक्सपोर्ट हो रहा है। और इससे होगा क्या, अगर हमारे देश की कंपनी ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करेगी तो फायदा क्या होगा, हमारे कंट्री का फॉरेन रिजर्व बढ़ेगा, है ना, क्योंकि हमारे देश में वो जो पेमेंट करेगा वो तो डॉलर में करेगा, और डॉलर में करेगा तो हमारे कंट्री का जो करेंसी है वो क्या होगा, रुपी का वैल्यू जो है वो इंक्रीज होगा, है ना। तो जितना ज्यादा डॉलर का रिजर्व बढ़ेगा हमारे कंट्री में, उतना ज्यादा हमारे कंट्री का करेंसी का वैल्यू बढ़ेगा। तो एक्सपोर्ट अ मैटर ऑफ सर्वाइवल कहने का मतलब कि एक्सपोर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर आपको कंपटीशन फेस करना है तो आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, अगर आप एक्सपोर्ट नहीं कर रहे तो हो सकता है कि आप मार्केट से गायब हो जाए। तो देखिए क्या कर रहा था, इंडियन बिजनेसमैन वाज फेसिंग ग्लोबल कंपटीशन, न्यू ट्रेड पॉलिसी एंड एक्सटर्नल ट्रेड वर्बल। इंडियन कंपनी को इंटरनेशनल कंपटीशन फेस करना पड़ रहा था, विदेशी कंपनी इंडिया में आ गई थी। तो भाई विदेशी कंपनी अगर इंडिया में आया तो वो तो मार्केट कैप्चर कर रहा, तो तुमको अपना मार्केट कैप्चर बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। अब जैसे आप सोचो सिंपल सी बात, हम इंडिया में बिजनेस कर रहे हैं, विदेशी कंपनी आ गया इंडिया में बिजनेस कर रहे हैं, तो मेरा मार्केट तो खत्म हो गया, धीरे रिड्यूस हो रहा, तो अब हमको सर्वाइव करना है, ज्यादा ज्यादा सेल करना है, तो न्यू मार्केट सर्च करना पड़ेगा, और न्यू मार्केट के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो ज्यादा से ज्यादा सेल करने के लिए हमको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, नहीं तो मार्केट में आप टिक नहीं पाएंगे। एज अ रिजल्ट टू अर्न मोर एक्सचेंज मनी, इंडियन कंपनी ज्वाइंट, मेनी इंडियन ज्वाइंट द एक्सपोर्ट बिजनेस। ज्यादा से ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज लाने के लिए बहुत सारी इंडियन कंपनी जो है वो क्या करना चालू की, वो एक्सपोर्ट करना चालू की, है ना। नेक्स्ट आपका टॉपिक है हमारा मैनेजरियल रिस्पांस। मैनेजरियल रिस्पांस कहने का मतलब आखिर किस तरीके से मैनेजर का भी टेंडेंसी चेंज हुआ जब वो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज के बारे में जाने, यानी कि जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आया तो हमारे देश के जितने भी मैनेजर्स थे कंपनी के, उन्होंने अपना कैसा बिजनेस पॉलिसी चेंज किया। देखो क्योंकि बिजनेस का स्ट्रेटेजी कौन बनाता है, मैनेजर बनाता है। तो मैनेजर अब जब तक पॉलिसी चेंज नहीं करेगा, मैनेजर जब तक अपना टेंडेंसी चेंज नहीं करेगा, कंपनी का ग्रोथ होगा ही नहीं। हाँ सर, तो कहने का मतलब अब मैनेजर का भी रिस्पॉन्स देखना बहुत जरूरी था। तो कह रहा है डाइवर्सिफिकेशन, सबसे पहले वो बोल रहा है मैनेजर्स लोग ना डाइवर्सिफिकेशन की बात करने, यानी कि वो लोग एक लाइन ऑफ गुड्स जो बेचते थे अब मल्टीपल लाइन ऑफ गुड्स में आ गए। सर कहने का मतलब जो कंपनी सिर्फ स्टेशनरी का प्रोडक्ट बेचती थी, अब वो कॉस्मेटिक, अब वो गारमेंट, अब वो फूड, कॉन्फ्लेक्शनरी आइटम, एफएमसीजी आइटम भी बेचना चालू किए, है ना। तो ये डाइवर्सिफिकेशन कहने का मतलब डाइवर्सिफाई करना, मतलब और भी प्रोडक्ट बेचना,
जैसे आप बिजनेस कर रहे थे, आप लैपटॉप बेचते थे किसी, फिर आप मॉनिटर भी बेचने लगे, फिर आप टीवी बेचने लगे, आप स्क्रीन बेचने लगे, आप फ्रिज, एसी, टीवी, इसको कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन। तो उसी तरीके से यहाँ पर देखिए बहुत सारी, जैसे भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, सेड दैट न्यू वेव ऑफ इकोनॉमिक चेंजेस विल डाइवर्सिफाई आवर पोर्टफोलियो, है ना। वो लोग अपने पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो मतलब हम लोग क्या क्या बेचते हैं, जैसे अगर हम बेच रहे हैं टीवी, एसी, फ्रिज और कंप्यूटर और लैपटॉप, सब कुछ बेच रहे हैं, तो हम कहेंगे मेरे पोर्टफोलियो में ये सब चीज़ें। उसी तरीके से भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड एक सरकारी कंपनी है, उन्होंने सोलर एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन एंड वाटर बिजनेस सब में अपना अपना कदम रखा। जैसे आप जानते हो सैमसंग, सैमसंग एसी भी बेचता है, टीवी बेचता है, सीडी बेचता है, रेफ्रिजरेटर्स बेचते हैं, सैमसंग का लॉक आता है, सैमसंग का मोबाइल आता है, तो बहुत चीज वो लोग बेचते हैं, है ना। इसको कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन। जब आप एक लाइन ऑफ प्रोडक्ट से बहुत ज्यादा लाइन ऑफ प्रोडक्ट बेचने लगते हैं तो उसको कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन। फिर ज्वाइंट वेंचर, ज्वाइंट वेंचर भी होने लगा। ज्वाइंट वेंचर मतलब होता है दो बिजनेस का मिलना, दो बिजनेस का कोलेबोरेशन होना। तो विदेशी कंपनी ना इंडियन कंपनी के साथ ज्वाइंट वेंचर करने लगी। मारुति सुजुकी के साथ मिला तो मारुति सुजुकी बना। आज के डेट में आप जानते हो फ्लिपकार्ट किससे मिल गया, वॉलमार्ट से मिल गया, है ना। तो फ्लिपकार्ट वॉलमार्ट का जो इसको क्या कहेंगे, ज्वाइंट वेंचर। बड़ी बड़ी कंपनी आपस में मिल के काम करना चालू की, आइडिया और वोडा, है ना। 4G, जियो 4G के आने के कारण आइडिया अलग कंपनी थी, वोडा अलग कंपनी थी, अब दोनों मिल के आइडिया वोडा बन गया, है ना। तो कहीं ना कहीं ये ज्वाइंट वेंचर आपके बिजनेस को सस्टेन करने में हेल्प कर रहा था। तो उस समय के मैनेजर ज्वाइंट वेंचर करना चालू किया। देखो क्या कह रहा, फोर्ड इंटर्स विथ महिंद्रा एंड महिंद्रा। फोर्ड कंपनी अलग है, महिंद्रा एंड महिंद्रा अलग है, दोनों मिल के अपने इंडिया में बिजनेस सेटअप किया। महिंद्रा एंड महिंद्रा का इंडिया में मार्केट कैप्चर बहुत अच्छा था, फोर्ड विदेशी कंपनी, उसके पास टेक्नोलॉजी अच्छा था, महिंद्रा एंड महिंद्रा के पास टेक्नोलॉजी अच्छा नहीं था। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा अपना मार्केट का जो शेयर है इंडिया में, जो उसका पकड़ है, उसका यूज किया, एंड फोर्ड जो है वो अपना टेक्नोलॉजी दिया। तो दोनों मिलके एक अच्छा मार्केट सेटअप करके दोनों अच्छे बिजनेस कर पाए। जैगवार इंटर भी टाटा मोटर, जैगवार कंपनी, रतन टाटा उसको खरीद लिए। होंडा इंटर इंटू सीएल, ये सब कंपनीज है। जनरल मोटर विथ हिंदुस्तान मोटर, जनरल मोटर अलग कंपनी था, हिंदुस्तान मोटर अलग था, दोनों मर्ज कर गया। आइडिया एंड वोडा, प्लानिंग टू मर्ज क्योंकि ये पहले का है, मगर अब आइडिया और वोडा जो है वो मर्ज कर चुका है ना। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा, ब्रांड बिल्डिंग, ब्रांड बिल्डिंग होने लगा। ब्रांड बिल्डिंग मैनेजर लोग ट्राई कर रहे थे कि अपने ब्रांड को ना एक इमेज दे। जैसे आप एप्पल का मोबाइल यूज करते तो लगता है ना कि हाँ एकदम प्रेस्टीज वाला बात है, ऐसा क्यों, क्योंकि ब्रांड बिल्डिंग हुआ। वो लोग एक इमेज, एक प्रोडक्ट को एक इमेज दिए कि इस प्रोडक्ट को यूज करोगे तो तुम्हारा इमेज बहुत अच्छा होगा, तो लोग डिमांड करते हैं। तो ब्रांड इमेज मतलब गुडविल, आपके प्रोडक्ट को कंपनी यूज कर, कस्टमर यूज करके फील करे कि हाँ आई एम डिफरेंट पर्सन, आई एम स्पेशल वन, कि मैं इस तरीके का प्रोडक्ट यूज करता हूँ। तो आफ्टर ऐसा इमेज बनाओ कि तुम्हारा प्रोडक्ट कस्टमर यूज करके प्राउड फील करे, इसको कहते हैं ब्रांड बिल्डिंग, ठीक है। तो आफ्टर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, ब्रांड बिल्डिंग, गुडविल एंड इमेज ऑफ द कंपनी हैज बिकम एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द कंपनी। एलिमेंट ऑफ द कंपनी, ब्रांड इमेज बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट हो गया है ना। आपको एकदम प्राउड फील होना चाहिए कि हाँ हम तो इस प्रोडक्ट को यूज करते हैं, इस तरीके का इमेज होना, ये मैनेजर अपना टेंडेंसी लाए। यूज ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, ये तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम है। तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कस्टमर मैनेजर्स यूज करने लगे अपने इंडस्ट्रीज में, ताकि ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो, ज्यादा ज्यादा प्रोडक्शन हो, कस्टमर के नीड को फुलफिल कर पाए, है ना। इम्प्रूव्ड कंपनसेशन लेवल, हाँ इम्प्रूव्ड कंपनसेशन, कंपनसेशन मतलब सैलरी देना, वर्कर लोग को उसके काम के अकॉर्डिंग सैलरी देने दिया जाने लगा। वर्कर लोग को पहले क्या होता था ना, एक्सप्लॉइट किया जाता था कि नहीं आपको ज्यादा काम कराते थे, कम सैलरी देते थे, मैनेजर को उसके स्किल के अकॉर्डिंग सैलरी नहीं मिलता था, आप जैसा काम कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको सैलरी नहीं मिल रहा, तो क्या आप काम कर पाओगे, सर कभी नहीं कर पाएंगे। तो उसी तरीके से ये टेंडेंसी खत्म हुआ, जितनी भी विदेशी कंपनी आई ना, वो अपने वर्कर को अच्छा सैलरी देते थे, अपने वर्कर को खुश रखते थे, ताकि वो अच्छा खुश रहेंगे तो वो कंपनी में अच्छे से काम करेगा, अपना बेस्ट इफर्ट लगाएगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इसलिए इंप्रूव्ड कंपटीशन लेवल कहने का मतलब, कंपनसेशन लेवल कहने का मतलब, वर्कर के लिए जो कंपनसेशन होना चाहिए
वो दिया जाने लगा एंड कस्टमर फोकस, कस्टमर सेंट्रिक बात होने लगी। मतलब आप जो प्रोडक्ट डिजाइन कर रहे हो, आप जो बिजनेस डेवलप कर रहे हो, वो कस्टमर सेंट्रिक होना चाहिए। मतलब कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा ध्यान में रखेंगे, कस्टमर पे फोकस रखेंगे, है कि नहीं? 24x7 सर्विसेज देंगे, किसी भी तरीके का कंप्लेन है तो उसको प्रायोरिटी देंगे, कस्टमर के ग्रेवांसेस को जरूर हम लोग फुलफिल करेंगे, जरूर सॉर्ट आउट करेंगे। ये टेंडेंसी डेवलप होने लगा कब? जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बाद मैनेजर अपना थिंकिंग चेंज किए, है ना? चलिए, तो नेक्स्ट आपका टॉपिक है जो कि लास्ट है, डीमोनिटाइजेशन, जिसके बारे में आप बाखूबी जानते हो। डीमोनिटाइजेशन क्या है सर? 8 नवंबर को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आए ब्लू ब्लू कलर का बैकग्राउंड में, और सामने डैशबोर्ड में एम्बलम लगा हुआ था हमारा, भारत का एम्बलम, और उन्होंने बोल दिया आते के साथ कि भैया 500 और 1000 का नोट जो है वो बैन। 8 नवंबर 2016 रात 8 बजे हड़कंप मच गया इंडिया में, हड़कंप मच गया, सब लोग परेशान। 86% करेंसी, 86% करेंसी हमारे देश में जितना भी करेंसी था उसका 86% करेंसी किस फॉर्म में था? 500 और 1000 के फॉर्म में, 500 और 1000 के फॉर्म में वो बैन कर दिया गया, है ना? तो कहीं ना कहीं ये बिजनेस को इंपैक्ट किया, इसलिए इस चैप्टर में दिया हुआ। अच्छा सर, क्या था आखिर, क्यों ये डिमोनिटाइजेशन किया गया? तो देखो, पहले तो डिमोनिटाइजेशन का फीचर्स है। डिमोनिटाइजेशन एज अ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर, इसको टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर के बारे में बोला गया। टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन कहने का मतलब, ड्यू टू डिमोनिटाइजेशन पीपल हैड टू डिक्लेयर देयर कैश होल्डिंग। जैसे मान लीजिए आपके पास 50 लाख रुपए है, 500 के नोट के फॉर्म में, 1000 के नोट के फॉर्म में, तो अब तो सरकार उसको बैन कर दी, तो कौन ले सकता है? सिर्फ बैंक। अब तुम बैंक में जमा करोगे तो बैंक पूछेगा कि बाबू कहाँ से लाए, टैक्स दिए हो? हाँ सर दिए हैं। तो ठीक है, बचे रहोगे, प्रूफ दिखाओ टैक्स दिए हो तो, और नहीं दिए हो तो टैक्स दो। इसलिए टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर इसको बोला गया, क्योंकि जो ब्लैक मनी रखे थे, ब्लैक मनी किसको बोलते हैं? तो ब्लैक मनी बोलते हैं वो मनी जिसपे आप टैक्स नहीं दिए हैं। जैसे हम 5 लाख रुपए कमाए 1 महीने में, और हम उस 1 महीने के 5 लाख पे हम टैक्स दे दिए, तो वो व्हाइट मनी है, क्योंकि सरकार को इसके बारे में पता है। पर अगर हम उसको नहीं बताए, छिपा दिए, तो वो क्या हो जाएगा? ब्लैक मनी। तो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन हेल्प करने में हेल्प किया, मतलब कितना कितना आपके पास मनी है और उस मनी पे टैक्स दिए हैं कि नहीं, ये जांच करने में हेल्प किया डिमोनिटाइजेशन। नो टॉलरेंस ऑफ टैक्स इवेशन, टैक्स इवेशन मतलब होता है टैक्स का चोरी, टैक्स इवेशन मतलब होता है टैक्स का चोरी। तो टैक्स कर का जो चोरी होता था वो एलिमिनेट किया गया। अब बताओ, तुम्हारा सारा नोट तो बेकार हो गया, अब बैंक में जमा करोगे तो बैंक वाला पूछेगा, तो भाई तुम टैक्स चोरी अब नहीं कर पाओगे। टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिंग एंड चैलेंजिंग सेविंग इनटू फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम, डीमोनिटाइजेशन लीड्स टू टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन चैनलाइजिंग द सेविंग इनटू फॉर्मल फंक्शंस फाइनेंशियल सिस्टम। देखो होता क्या था कि लोग ना अपना पैसा जो टैक्स चोरी करके कमाए हैं उसको अपने घर में रखते थे। उसको घर में रखने से क्या होता था ना कि वो जो इकोनॉमी में जो फ्लो आना चाहिए वो नहीं आता था। अब जैसे मेरे पास 5 लाख रुपए है, हम उस पे सरकार को टैक्स दे दिए, तो उस पैसा को हम बैंक में रखेंगे। अब बैंक में रखेंगे तो बैंक वाला किसी और को दे देगा लोन के तौर पे, है ना? तो उससे क्या होगा कि वो पैसा सर्कुलेट होते रहेगा। पर वही अगर 5 लाख रुपए हम किसी को नहीं दिखाएं, हम उसको बक्सा में बंद के रखें, बंद करके रखें, तब तो वो सर्कुलेट ही नहीं कर रहा, तो प्रॉब्लम हो जाता है ना? तो वही कह रहा है, चैनलाइजिंग सेविंग इनटू द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। सेविंग को सर्कुलेट करना, सेविंग करना गलत नहीं है, मगर सेविंग को आप बक्सा में बंद कर दे रहे, ये गलत बात है। तो इस तरीके का नेचर नहीं होना चाहिए, है ना? है ना? ऑफ द कैश डिपॉजिट, देखिए क्या कह रहा। हाँ, एज मच ऑफ द कैश डिपॉजिटेड बाय द पीपुल फॉर एक्सचेंज विल बी ऑफर्ड टू द पीपुल टू लोन अंडर द स्कीम, है ना? आप जितना कैश जमा किए, अब बैंक के पास इतना सारा पैसा आ गया, सारे लोग अपने बक्सा में से निकाल के बैंक में जमा करने लगे, तो बैंक उस पैसे को क्या करेगा? आरती थोड़ी उतारेगा, वो क्या करेगा? वो किसी और को लोन के तौर पे दे देगा। किसी और को चूंकि लोन के तौर पे देगा, तो इससे फायदा क्या होगा कि लोग
लोग ज्यादा से ज्यादा लोन लेंगे, लोग ज्यादा से ज्यादा अपना काम कर पाएंगे, है ना, ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज ओपन होंगे, एंड क्रिएटिंग कैशलेस डिजिटल कैश लाइट इकोनॉमी। कैशलेस ट्रांजेक्शन को बढ़ावा दिया गया। पॉस मशीन, पीओएस, पॉइंट ऑफ सेल, इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ सेल मशीन इस्टेब्लिश किया गया। आप जाते हो ना, मशीन रहता है जिसमें कार्ड स्वाइप करते हो, उसको हम लोग बोलते हैं पॉस मशीन। तो पॉस मशीन के थ्रू ट्रांजेक्शन होने लगा, डिजिटली आप स्कैन करिए पेमेंट करिए, अंगूठा लगाइए पेमेंट करिए। तो इस तरीके का कैशलेस ट्रांजेक्शन को बढ़ावा दिया गया डीमोनिटाइजेशन की वजह से, है ना। अब देखिए लास्ट पॉइंट क्या है, एरिया और इम्पैक्ट, मनी एंड इंटरेस्ट। डीमोनिटाइजेशन का इम्पैक्ट कैसे कैसे हुआ, पैसे और इंटरेस्ट रेट की बात करें, जैसे बैंक में पैसा लेते हो तो इंटरेस्ट देना पड़ता है ना, तो वो इंटरेस्ट रेट क्या हुआ, घटा, बैंक का डिपॉजिट बढ़ा, एंड इंक्रीज इन फाइनेंशियल सेविंग। देखो क्या कह रहा, पैसे पैसे का फ्लो इकोनॉमी में बढ़ा, बैंक के पास बहुत ज्यादा जरूरत से पैसा आ गया, तो बैंक वाला ना सस्ता लोन देना चालू किया, ठीक है। प्राइवेट हेल्थ की बात करें, प्राइवेट वेल्थ की बात करें, तो डिक्लाइन सिंस सम हाई डिनोमिनेट, है ना, प्राइवेट वेल्थ, पर्सनल प्रॉपर्टी थोड़ा घटा, क्योंकि जो लोग है ना, नॉट रिटर्न एंड रियल एस्टेट प्राइस फेल, फेल कहने का मतलब घटा। अब जैसे हमको प्रॉपर्टी खरीदना है, एक फ्लैट खरीदना 50 लाख का, मगर 50 लाख का, और वो 50 लाख का पेमेंट के लिए हम तो 500 और 1000 का नोट देंगे, मगर 1000 और 500 का नोट तो बेकार हो गया। तो अगर मेरा वो व्हाइट मनी है 50 लाख, तब तो हम ऑनलाइन पेमेंट करके फ्लैट ले लेंगे, पर अगर वो ब्लैक मनी है, अगर हम उस पर टैक्स नहीं दिए, तब तो हम खरीद ही नहीं पाएंगे। तो अचानक से क्या हुआ ना कि प्राइस घटने लगा, लोग खरीद ही नहीं रहे थे फ्लैट, तो प्राइस घटने लगा, और प्राइस घटने के कारण क्या हुआ, प्राइस घटने के कारण क्या हुआ, प्रॉपर्टी का, रियल एस्टेट का दाम घटने लगा। पब्लिक सेक्टर वेल्थ, नो इफेक्ट। पब्लिक सेक्टर के बाद की बात करें तो कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि सरकारी कंपनी जो भी होता है नीट एंड क्लीन होता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं था। डिजिटाइजेशन, है ना, डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा दिया गया। रुपे, रुपेक्स, रुपे रुपे होना चाहिए था यहाँ पे, रुपे रुपे एंड एपेक्स, रुपे एंड एपेक्स में चेंज, इंक्रीज आया, रुपे ट्रांजेक्शन होने लगा, इंडियन रुपी का डिजिटल फॉर्म में ट्रांजेक्शन ज्यादा हुआ। रियल एस्टेट की बात करें तो रियल एस्टेट का जो प्राइस है वो क्या हुआ, डिक्लाइन हुआ, रियल एस्टेट का प्राइस जो है वो क्या हुआ, डिक्लाइन होना चालू हुआ। एंड लास्ट टैक्स कलेक्शन की बात करें तो भाई जितने भी टैक्स चोर थे ना, वो सब टैक्स देना चालू किए, जितने भी टैक्स चोर थे उन्होंने टैक्स देना एकदम से चालू किया, ताकि भाई अगर टैक्स नहीं देंगे तो फंस जाएंगे, है ना। तो इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो ये हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट का चैप्टर कंप्लीट हो, है ना, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा रहेगा वो रहेगा प्लानिंग चैप्टर के ऊपर, एंड प्लानिंग चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या क्या होता है। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर गिविंग अस योर प्रीसियस टाइम।